छतरपुर तहसील कार्यालय में आधा दर्जन से अधिक छात्र छात्राओं ने एसडीएम को आवेदन सौंपा है। आवेदन के जरिए बताया गया है कि उनके साथ किशोर सागर स्थित एपीएलएल नाम की संस्था के द्वारा पैसे लिए गए हैं कंप्यूटर सिखाने के नाम पर, और वहां पर नेटवर्क मार्केटिंग का काम करवाया जा रहा है। छतरपुर तहसील कार्यालय पहुंचकर आधा दर्जन से अधिक छात्र छात्राओं ने एसडीएम को एक आवेदन दिया है। आवेदन के जरिए बताया गया है कि फर्जी संस्थान एपीएलएल द्वारा उन्हें झांसे में लेकर उनके साथ ठगी की गई है। आवेदन में लेख किया गया है कि फर्जी संस्थान एपीएलएल किशोर सागर तालाब के सामने छात्र छात्राओं को झूठी दिलासा एवं फर्जी ढंग से जानकारी देकर उन लोगों से पैसे लिए गए हैं और फीस जमा करवाई गई है, जिसकी रसीद भी उन्हें नहीं दी गई है। वहीं उक्त संस्था के द्वारा उन्हें कंप्यूटर सीखने के नाम पर जोड़ा गया था, लेकिन जब वहां छात्र छात्राएं जाने लगे तो पता चला कि कंप्यूटर न सिखाकर उन्हें नेटवर्क मार्केटिंग की ट्रेनिंग दी गई। इसी प्रकार अन्य लोगों को जोड़कर ठगी में सहयोग करने के लिए प्रेरित किया गया, और जब छात्र छात्राओं ने इसका विरोध किया और अपने फीस के पैसे वापस मांगे तो संस्था के लोग उन्हें मिसगाइड करते रहे, और इसके बाद उनसे दो टूक कह दिया गया कि फीस वापस नहीं होगी, आपको जहां सुनाना हो सुना लो, जो करना है वो कर लो, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आवेदन के जरिए इस तरीके के तमाम आरोप छात्र छात्राओं के द्वारा लगाए गए हैं। उनका कहना है कि बार बार कहने के बावजूद भी उनके पैसे वापस नहीं किए गए हैं। संस्थान के प्रति पूर्व में भी प्रशासनिक कार्यवाही सुनिश्चित हो चुकी है। इसी संस्थान के द्वारा चंद्रा और लौकुश नगर ब्रांच को प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा सील करने की कार्यवाही भी की जा चुकी है। आवेदन के जरिए छात्र छात्राओं के द्वारा मांग की गई है कि संस्थान में जमा फीस उन्हें वापस दिलाई जाए एवं संस्थान के विरुद्ध कड़ी प्रशासनिक कार्यवाही की जाए, ताकि भविष्य में किसी अन्य छात्र छात्राओं के साथ ऐसी ठगी नहीं हो सके। मेरा नाम साक्षी पटेल है। किस तरह का आज कहाँ पे ज्ञापन दिया है, क्या समस्या आपको? ये मेरा था कि मतलब ये जो एपीएलएल संस्था है किशोर सागर तालाब के पास, वहाँ पे हम लोग को कंप्यूटर कोर्स का बोल के ले गए थे, लेकिन जैसे ही वहाँ एडमिशन लिया तो पता चला नेटवर्क मार्केटिंग है, तो वो लोग बोलते थे कि लोगों को जोड़ो और कमीशन खाओ, और फिर मतलब टोटली फ्रॉड गिरी है, लोग बच्चों का ब्रेन वॉश करते हैं। जब पैसों वापस करने की बोली तो उन्होंने बोल दिया कि हम आपका पैसा वापस नहीं देंगे, जो कुछ करना है कर लो। आज कहाँ ज्ञापन दिया आपने? तहसील में हम लोगों ने। कितने पैसे दिए थे? 18,785 दिए थे हमने, पूरा कैश दिया था। कितने लोग हैं? हम 5-6 लोग हैं यहाँ पे, जिनको हम सबको पैसे अपने वापस चाहिए। और कितने लोगों से ठगी हुई है? वैसे तो बहुत सारे ही लोग हैं, अब गिना नहीं जा सकता, ऐसा कह सकते हम। क्यों ये सब हो रहा है और शहर में चल रहा है, सभी के संपर्क में भी है, क्या लग रहा है, कौन मिला हुआ है इसमें, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है? इसका तो नहीं पता, लेकिन हम वहाँ के मेन लीडर जो है वो सुरेंद्र यादव हैं, उन्हीं का ये सेंटर है। वो लोग ऐसे बोलते हैं कि मतलब जो आपका इनकम सोर्स है वो ऐसी ज़्यादातर जॉब्स है नहीं है, तो आप यही करो, आपको इनकम मिलेगा। कैसे इनकम मिलती है? कमीशन, लोगों को जोड़ना है, जोड़ेंगे पैसा देंगे फिर आपको कमीशन मिलेगा। क्या ऐसे आपको किसी ने जोड़ा है? हाँ। किसने जोड़ा है? मुझे प्रबल कौशिक नाम के लड़के ने जोड़ा था। वो कहाँ है? उसका अभी कुछ अता पता नहीं है। आप लोगों ने जैसे मांग की है पैसों की, तो क्या बोला गया वहाँ? हम लोगों ने जैसे बोला कि हम लोग के पैसे वापस लौटा दीजिए, कुछ नहीं करना है, तो वो बोलते हैं कि नहीं देना हमें, पैसा हमारे पास नहीं रहता है, जो कुछ करना है कर लो, जिसको शिकायत करना है कर लो। थाने में शिकायत दर्ज कराई है? अभी नहीं। आज कहाँ दिया था? अगर करनी पड़ी तो हम जरूर करेंगे।